हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं पार्ट टू क्लास फर्स्ट एसओएफ फॉरम पे 2024-25 के क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे। चलिए इसको आप एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, और आज हम शेयर करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। फाइव चिल्ड्रन वी प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, आफ्टर सम टाइम सेवन मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पांच बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, आफ्टर सम टाइम सेवन मोर चिल्ड्रन ज्वाइन, तो सात बच्चे और ज्वाइन हो गए, तो टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो सेवन प्लस ट्वेल्व कितने हो गए, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पेयर्स ऑफ सम बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन एज शोन इन द पिक्चर, देयर वर बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन। इस गार्डन में ये सारे बटरफ्लाई हो रहे हैं, बटरफ्लाई गार्डन में दिख रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं। बटरफ्लाई, तो कितने बटरफ्लाई हैं ये हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ये थर्टीन है। तो वन थ्री थर्टीन, ये सिंपल ना लिख कर ये इस तरह लिखा गया है एबेकस फॉर्म में। तो हमें देखना है वन थ्री थर्टीन किस फॉर्म में लिखा है, बी वन टेन्स एंड थ्री वन्स। ये आपका थर्टीन का एबेकस फॉर्म ये हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सुमित बाउट 15 बल्ब फ्रॉम द मार्केट, ही ब्रॉक 8 बल्ब, हाउ मेनी बल्ब वेयर आर नॉट ब्रोकन। इसने 15 बल्ब जो है सुमित मार्केट से खरीद कर लाया था, उसमें से ये 8 बल्ब जो क्रॉस किया हुआ है वो फूट चुका है, तो उसके पास कितने बल्ब बचे। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल्ब सुमित के पास बच गए। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 7 बल्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मोहित वांट टू कलेक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स विल बी यूज फॉर इट। मोहित ने इस सभी कंटेनर्स में से किस कंटेनर में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट कर सकता है, जग बकेट ग्लास या बॉटल। तो सबसे बड़ा जो है बकेट है, बकेट में मोहित मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को कलेक्ट कर सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द गिवन पिक्चर शोज सम एक्टिविटी ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द डे इट मस्ट बी। ये एक्टिविटी दिख रही है, ये हमें कब दिखती है। देखिए यहाँ पे ये घड़ी है, ये बच्चा सोया हुआ है, बाहर अंधेरा दिख रहा है, और ये चांद, खिड़की से चांद दिख रहा है। तो ये सभी जो सिचुएशन है पिक्चर्स किस समय हम देखते हैं, नाइट में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नाविया सॉ द गिवन पिक्चर इन द आर्ट गैलरी, द शेप ऑफ इट्स फ्रेम ए। नाविया एक आर्ट गैलरी में पिक्चर्स देखती है, और ये हमें बताना है कि इसका शेप क्या है। तो दिस इज इसका शेप हम देख लेते हैं। ये आर्ट गैलरी है, आर्ट गैलरी के अकॉर्डिंग ये पिक्चर्स कैसा दिख रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये आर्ट गैलरी में देखिए 1 2 3 4, ये आमने सामने जो है पूरा रेक्टेंगल से लाइंस हो रहे हैं, चारों साइन जो है चारों साइड्स इक्वल नहीं है। दिस इज ऊपर नीचे एंड लेफ्ट एंड राइट, ये साइन आपके आमने सामने इक्वल हो रहे हैं।
अगर ये चारों साइड्स इक्वल रहते तो स्क्वायर रहते, चूंकि आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेक्टेंगल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कृति है चॉकलेट्स 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 चॉकलेट्स, हर फादर गिव चॉकलेट्स 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 टू हर, हाउ मेनी टोटल चॉकलेट्स डज सी हैव नाउ। कृति के पास इतने सारे चॉकलेट्स पहले से थे और उसके फादर ने भी जो है उसे चॉकलेट्स ही दिए, तो हमें ये बताना है कि उसके पास कितने चॉकलेट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कृति के पास टोटल जो है 7 चॉकलेट हो गए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। करण गेव 50 rupees ऑफ शॉपकीपर टू बाई द गिवन नोट पैड, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नोटबुक की प्राइस 30 rupees है और करण ने शॉपकीपर को 50 rupees दिया है, तो कितने रुपीज जो है शॉपकीपर उसको वापस करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 minus 30 = 20 rupees, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रोहन बाउट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, आउट ऑफ विच 1, 2, 3 आर रॉटन, यानी 3 खराब हो गए, आर नॉट रॉटन, तो कितने उसके पास सही ऑरेंज थे। तो 3 इसमें से खराब हो गए, तो 3 इसको हम क्रॉस कर दिए, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4 बचे, 4 ऑप्शन हमारा यहाँ ए में आ रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। द वेट ऑफ राशि इज 24 kg एंड द वेट ऑफ हर ब्रदर इज 3 kg लेस देन हर वेट, फाइंड द वेट ऑफ राशि ब्रदर। अगर राशि की वेट 24 kg है और उसका ब्रदर उससे 3 kg कम है, तो 24 में से हम माइनस 3 करेंगे, तो 24 - 3 = 21 kg, तो उसके भाई की वेट जो है 21 kg हो जाएगी, तो फाइंड द वेट ऑफ राशि ब्रदर्स, तो राशि ब्रदर्स की वेट जो है 21 kg, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब अचीवर सेक्शन की तरफ आते हैं। अचीवर सेक्शन से टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 marks रहते हैं, जबकि इससे पहले हमारा जो भी सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिक्स, इन तीनों सेक्शन से 10-10 क्वेश्चंस थे और सभी से 1 marks थे, जबकि अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 marks रहेंगे। टोटल इसमें 35 क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर, हम यहाँ पे क्लू पढ़ेंगे और उसके आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट है, इट्स वन प्लेस डिजिट इज 3 लेस देन द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। वन प्लेस डिजिट 3 लेस देन द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 1 क्या होता है, 9। 9 से अगर 3 माइनस किया जाए तो हमारा हो जाता है 6, और 6 कहा जा रहा है 1 प्लेसेस पे है, तो 1 प्लेसेस पे 6 है, यहाँ पे कौन से ऑप्शंस में, बी और डी में। अब इन नेक्स्ट क्लू हम पढ़ते हैं, इट इज द लेस देन 48 से लेस एंड मोर देन 40 से ज्यादा एंड 48 से लेस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रेफर द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर दिए गए, इसके आधार पे इसको हम फिलअप करना और फिर ऑप्शंस को टिक लगाना। देयर आर डैश ट्राइंगल एज अ गिवन पिक्चर्स। इस पिक्चर में कितने ट्राइंगल हैं, तो देखिए ये 1 और यहाँ पे ये हो रहे हैं 2। चलिए इसको फिर से मैं हटा देती हूँ, फिर से आप देखिए 1 and 2, 3, 4 4 ट्राइंगल्स हो रहे हैं, तो 4 ट्राइंगल्स। देयर आर हॉरिजेंटल लाइन्स एंड द स्लैंटिंग लाइन इज द गिवन इमेज। यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन्स कितने हैं एंड स्लैंटिंग लाइन कितने हैं, ये हमें बताना है। तो हॉरिजेंटल लाइन्स जो हमारे होते हैं ये सीधे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन हमारे यहाँ पे 17 हो गए, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, ये टोटल 17 हॉरिजेंटल लाइन्स है। हॉरिजेंटल लाइन्स जो है हमारे इस प्रकार के हो गए। और आपका हो गया स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, तो स्लैंटिंग लाइन हमारे क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट हमारे स्लैंटिंग लाइन हो गए। अब इसके ऑप्शन जो भी है उस हिसाब से हम टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वर्तिका स्टार्टेड हर डांस क्लासेस फ्रॉम सेकेंड ट्यूजडे ऑफ मई। वर्तिका सेकेंड ट्यूजडे को, ट्यूजडे है हमारा, सेकेंड ट्यूजडे को वो डांस क्लास शुरू करती है। इफ सी मिस हर क्लासेस 22nd एंड 28, देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड सी फॉर डांस क्लासेस फॉर मंथ। एज्यूम डेट एवरी संडे इज द होलीडे। होलीडे को हमेशा संडे को हमें होलीडे मानना है, तो इसे हमें काउंट नहीं करना है। संडे को 22nd एंड 28 दो दिन उसने छुट्टी की है, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 22 एंड 28, तो कितने दिन उसने क्या पूछा है, देन हाउ मेनी डेज डिड शी गो फॉर डांस क्लासेस दिस मंथ। दिस मंथ में कितने दिन वो डांस क्लास जाती है, काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18। प्लीज माइंड ना करें कि बाहर कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी 18। यहाँ पर हमने संडे को स्किप कर दिया है और ये हमारा दो डे जो कहा जा रहा है 28 एंड 22 इसको हम हटाकर और संडे को हटाकर बाकी डे को हमें काउंट करना है, तो हमारा आ रहा है ऑप्शन सी 18 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द एक्सपेंडेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द नंबर शो ऑन द गिवन टू एबेकसेस। दो एबेकस है, इस दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर हम देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हो गया नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर हो गया सेवन, यहाँ पर देख लेते वन टू थ्री फोर और ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया 54। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं 97 माइनस 54, तो ये हो जाएगा सेवन में से फोर गया थ्री और नाइन में से फाइव गया फोर, 43। 43 को हम इस तरह लिख सकते हैं 40 + 3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स। आर द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये हमें देखना है, इस पिन के हिसाब से हमें मापना है। तो चलिए यहां से हम ये देख लेते हैं, ये हमारा हो जाता है यहां से यहां तक कितने पिन हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टॉय जो है सिक्स है, टॉय ट्रक। अब ये हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टॉय ट्रेन हो गया यहाँ पर टेन एंड टॉय कार जो है यहाँ से, चलिए यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा यहाँ हो रहा है और ये यहाँ, वन टू थ्री फोर, ये टॉय कार हो गया फोर। अब पूछा जा रहा है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये टॉय ट्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे पी जो हो जाता है टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन हो गया यहाँ पे। एंड सेकंड पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ टॉय ट्रेन इज द
मोर देन लेंथ ऑफ टॉय कार, किस टॉय ट्रेन जो है कितना ज्यादा है टॉय कार से, तो 10 में से 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना ज्यादा है 6 यहाँ पे हो जाएगा। एंड द टोटल लेंथ ऑफ टॉय ट्रक, टॉय ट्रक हो गया एंड टॉय कार, तो टॉय ट्रक एंड टॉय कार का टोटल लेंथ क्या हो गया, तो 4 + 6 = 10। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो पी हो रहा है हमारा टीटी टॉय ट्रेन, एंड क्यू हो रहा है 6 एंड आर हो रहा है 10। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो रहा है ऑप्शन बी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आप क्लास 3rd के भी मैथ्स के 24-25 के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।